एसडी कार्ड में U1, U3, HC सिंबल का क्या पर्पज है? सारे बड़े शहरों के बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर ये रेड लाइट्स क्यों होते हैं? और टैंक्स और कंस्ट्रक्शन मशीन में ये स्पेशल टायर्स क्यों होते हैं? इन सभी का जवाब आज आपको मिलने वाला इस थिंग्स विद पर्पज के पार्ट 11 के वीडियो में, जिसमें नॉलेज तो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मीम्स हैं जो आपको हंसने पर जरूर से मजबूर कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यार अगर अभी पास्ट में 3G इंटरनेट के यूजर हो तो मैं प्रीटी श्योर हूँ कि इस कार्ड को देखकर आपको नॉस्टैल्जिया वाला वाइब तो जरूर से आया होगा। गाइस एसडी कार्ड का फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है और एसडी कार्ड में ये सिंबल्स एंड नंबर्स उसके अलग क्वालिटी पर्पस एंड स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करता है। यार मेमोरी कार्ड मेनली तीन तरह का होता है। आप इस फर्स्ट इमेज को देखो, ये एक सिंपल एसडी कार्ड है, ये काफी पुराना है और इसलिए इसे काफी कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2GB की होती है। सेकंड वाले इमेज को SDHC कार्ड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड होता है और इसका ये HC सिंबल इसी फीचर को रिप्रेजेंट करता है। इन कार्ड्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 32GB की होती है। और लास्ट वाले थर्ड इमेज को SDXC कार्ड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी होता है और इसका कैपेसिटी 2TB तक हो सकता है। और साथ ही इसका ये U सिंबल इसके UHS यानी अल्ट्रा हाई स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। U1 का मतलब है इसका स्पीड 10 MBPS है और वहीं U3 का मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड 30 MBPS तक हो सकता है। भाइयों क्या आपको पता है कि हमारा देश इतना क्यों महान है? सिंपल है भाई, क्योंकि इस देश के लिए तैनात हमारे जवान हैं। अब इन्हीं जवानों के आन बान शान को बढ़ाने में हमारे इन टैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन टैंक्स में बाकी गाड़ियों के मुकाबले क्या अलग होता है, तो आप में से बहुत से लोग इस तोप के बारे में बोलेंगे, वहीं कुछ लोग इनकी ये स्पेशल टायर्स के बारे में। वैसे ये सोचने की बात है भाई कि टैंक्स एंड बहुत से कंस्ट्रक्शन मशीन्स में राउंड के जगह ये कैटरपिलर टायर्स क्यों होते हैं? तो दरअसल टैंक्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीन बहुत ही भारी होते हैं। अब इसी वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनमें ये स्पेशल टायर्स होते हैं और साथ ही ये अलग अलग रोड कंडीशंस में भी अपनी ग्रिप बनाकर अच्छे से मूव कर पाते हैं। अब कार्स के सीट बेल्ट को तो आपने देखा ही होगा, वैसे प्लेन्स में भी सीट बेल्ट्स होते हैं लेकिन वो कार वाले से थोड़े अलग होते हैं। जानते हो क्यों? अच्छा देखो, प्लेन में जो सीट बेल्ट होता है ना, वो आपके पेट में लगा होता है, जिससे जब टर्बुलेंस होता है तब प्लेन के ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट से वो बेल्ट आपको बचाता है। वहीं कार में एक्सीडेंट्स के समय कार सिर्फ आगे पीछे वर्टिकल ही नहीं बल्कि लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है, जिससे बचाने के लिए कमर के साथ ये बेल्ट आपके चेस्ट को भी कवर करता है। बहुत से लोग ये मिथ मानते हैं कि इन प्लेन्स के सीट बेल्ट को लगाने से ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है और उल्टा बाय द वे अगर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो ये सीट बेल्ट जैम होकर और उनको अटकाए रखता है। लेकिन यार इन झूठे मिथ से आप बची के रहना और प्लेन के जर्नी के दौरान अपने सीट बेल्ट को जरूर लगाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इन्फॉर्मेशन की जर्नी की सीट बेल्ट लगाना मत भूलना, ये काफी जरूरी है भाई। आप जब भी बस में सफर करते होंगे तब आप अपने सर के ऊपर इस उभरे हुए कंपार्टमेंट को तो जरूर से देखते होंगे, जहां पर आप अपने लगेज को रखते हो। अब बस में तो ये कंपार्टमेंट सेंस बनाती है, पर इन उभरे कंपार्टमेंट्स का प्लेन में क्या काम? अरे भैया वहां कौन सा लगेज रखना है? एयरप्लेन्स में तो पहले ही आपका सामान रखा दिया जाता है। तो दरअसल इस कंपार्टमेंट में कोई सामान तो नहीं बट एक गैस जरूर होती है और वो गैस होती है ऑक्सीजन की। अब जब प्लेन 14,000 फीट के ऊपर जाती है तब पूरे ही प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब इस दौरान पूरे ही फ्लाइट क्रू के साथ लगभग सारे ही पैसेंजर्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसे को फुलफिल करने के लिए इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, जिसको आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हो। अभी ऑक्सीजन मास्क पैसेंजर्स की तो जान बचा लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपकी जान बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा स्मॉल केस के बारे में। अब जब मैं खुद से थोड़े पैसे बनाने लगा हूं, तो सारे जगहों से बस यही सुनने को मिलता है कि अब तुम्हें अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज न होने के कारण मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, बट ये जरूर जानता था कि मुझे कुछ ऐसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना है जो जस्ट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड न करे और लॉन्ग रन में मुझे अच्छे रिटर्न्स भी दे। लकली हाल ही में मुझे स्मॉल केस के AWI में ये सब मिला। स्मॉल केस एक अमेजिंग ऐप है जिसमें आप AWI के साथ सेफ, सिक्योर एंड स्टडी प्रॉफिट पा सकते हो। सो अगर आप भी मेरी तरह इस फील्ड में नए हो, जिसको मार्केट एंड मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो आपको भी स्मॉल केस ट्राई करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको AWI स्मॉल केस में अभी बिना डाउट के इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द ऐप। यार स्मार्टफोन आजकल हम सभी के पास कॉमन हो चुका है और इंडिया में ये इतना कॉमन है कि इंडिया के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में 1.18 बिलियन एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स वर्क कर रहे हैं और इंडिया में स्मार्टफोन सबसे ज्यादा कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। भाई इंडिया में एक आदमी एक दिन में 5 बार वॉइस कॉल रिसीव करता है और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? किस आधार पर मिला हमें?
तो यार स्मार्टफोन से कॉल करते समय क्या आपने ये नोटिस किया है कि कभी कभी आपके कॉल लॉग में कॉल्ड कॉन्टेक्ट के ऊपर ये HD और ये वाईफाई सिंबल क्यों होता है और कुछ में ये होता है और कुछ में क्यों नहीं। तो एक्चुअली में ये डिफरेंट सिंबल्स कॉल के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉल के बगल में HD लिखा है तो आप अपने स्मार्टफोन के VoLTE वाले फीचर को यूज कर रहे हो जो कि आपके ऑर्डिनरी LTE वाले नेटवर्क से ज्यादा क्लियर होगा। और अगर कॉल कॉन्टेक्ट के ऊपर कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तो आपका स्मार्टफोन उस कॉल को नॉर्मल सिम के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है जिसकी क्वालिटी कंपेरेटिवली लो होती है और बीच बीच में आवाज भी कट सकती है। और भाई वही अगर आप अपने कॉल्ड कॉन्टेक्ट में ये वाईफाई वाला साइन देख रहे हो तो ये समझ जाना कि उस कॉल को कनेक्ट करने के लिए आपका स्मार्टफोन वाईफाई का सहारा ले रहा है। यारो अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद चलो अब कोई अच्छा सा विंडो सीट लेकर बैठ जाते हैं और बाहर के मस्त मस्त नजारों को फील करते हैं जो कभी हम ड्रोन शॉट्स में देखा करते थे। यारो जब आपका प्लेन आपके सिटी से क्रॉस करेगा तो आप अपनी सिटी के सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को भी आसानी से देख पाओगे। लेकिन भाई उन नजारों को एंजॉय करते करते आप ये भी नोटिस करोगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन सभी में आपको रेड कलर की लाइट्स दिखेंगी। लेकिन अभी तो दिवाली भी नहीं है, फिर ये रेड लाइट्स क्यों? अब इसके पर्पस को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो ये बात है 1920 की, जब US एंड यूरोप के कुछ पार्ट में एयरप्लेन उड़ना स्टार्ट हुए थे। अब उस समय रात में जब भी बैड क्लाइमेटिक कंडीशन होती थी तो पायलट्स को सिटी के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को क्रॉस करते समय उनका अंदाजा नहीं हो पाता था, जिनसे एक्सीडेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते थे, जिसके कारण उनका ये हाल हो जाता था। हेलो 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 हेलो, आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना। अब लंबी लंबी बिल्डिंग्स की इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर इन रेड लाइट लगाने का एक्ट पास हुआ। यारो इतने कमाल के प्लेन जर्नी के बाद अब टाइम है इस जर्नी को एंड करने का, क्योंकि अभी कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताना जो जरूरी है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जिनको जानकर आपका माइंड ब्लोन होने वाला है। और साथ ही लास्ट में आपके लिए मीम्स भी तो इंतजार कर रही हैं। अब मुझे पता है हम सब प्लेन जर्नी से बाहर आते वक्त कुछ लोग अपना लगेज जर्नी में ही भूल आए होंगे। वैसे लगेज से एक मस्त चीज याद आई, यारो अगर हम अपना लगेज प्लेन में ही भूल आए तो उस लगेज का क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? देखो अगर आप अपना लगेज प्लेन में भूल जाते हो तो आपका लगेज सिर्फ 3 महीने आपका इंतजार करेगा, क्योंकि अगर आपने 3 महीने के अंदर अपना लगेज रिसीव नहीं किया तो वो लगेज सीधा सेल पे चला जाएगा और लगेज के पैसे एयरलाइंस के पॉकेट में। सो यारो इतने नॉलेज के बाद जिंदगी में हंसना भी बहुत जरूरी होता है। सो इसी हंसी के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हियर आर सम स्पेशल रैंडम मीम्स फॉर यू। व्हेन अ बैकबेंचर बिकम बाबा, अरे प्रीतम प्यारे, सॉरी मैं बर्थडे पार्टी सोच के ये गा रहा था, एक्चुअली यहाँ तो मुझे कुछ और गाना था। हाँ ये भी कीर्तन अच्छा है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। When we searching the song that I hear in reels, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, नाम बता उसको। पद्मिनी, शंखनी, मोहिनी, रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा, हका। ये कैसी डायन का नाम है, हाका। रियल सबवे सर्फर्स बी लाइक। A spoken English in 30 days app. After 30 days, teachers and my friend is Kurban Ali is the best of their life. Speeches in English as tell me the English tells up and I know to study. Understand it. My prayer. Good morning. Good evening. Have a nice day. Okay. Bye bye. तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को भी यहाँ से देख सकते हो, ये भी काफी फन इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो माफ कर देना यार, एग्जाम सर पे हैं। और अगर फिर भी पसंद आ गई हो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।